नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले एक महीने से चल रहा ब्यावर का चुनावी रण आखिरकार एक बार फिर भाजपा की जीत के साथ थम गया है। रिकॉर्ड कायम करकर ब्यावर भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने जीत का चौका लगाया और लगातार चौथी बार विधायक बन गए हैं। इस चुनावी रण में विधानसभा के रण बांकुरों पर किस क्षेत्र की जनता ने अपना भरोसा जताया, किस प्रत्याशी को कौन से एरिया में जीत मिली और कौन से क्षेत्र में हार मिली, आइए जानते हैं प्रत्याशियों के वोट बैंक की चुनावी एक्सरे रिपोर्ट। रिपोर्ट को समझने से पहले हम विधानसभा को सरल रूप में चार भागों में बांट लेते हैं, 11 पंचायत, ब्यावर शहर, जवाजा क्षेत्र और भालिया क्षेत्र। इन चारों क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों का गणित क्या कहता है, इससे पहले हम आपको यह बता दें कि मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने 279 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की। ब्यावर विधानसभा में कुल 257,723 मतदाता है, जिसमें 1797 डाक मतपत्रों को मिलाकर 181,730 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतलब ब्यावर विधानसभा में डाक मतपत्रों को मिलाकर इस बार कुल वोटिंग 70.51% हुई। इस प्रतिशत में से सर्वाधिक 37.21% यानी 67,623 वोट भाजपा से शंकर सिंह रावत को मिले। वहीं 32.32% यानी 58,745 वोट कांग्रेस के पारसमल जैन ने हासिल किए। निर्दलीय की बात कर लें तो इंद्र सिंह बागवास ने कुल मतदान में से 28,343 वोट यानी 15.59% हिस्सा प्राप्त किया। इसके अलावा महेंद्र सिंह रावत ने 11,599 मतों के साथ 6.38% मत प्राप्त किए। मनोज चौहान की 7,940 वोट यानी 4.36% की भागीदारी रही। कुल मतदान में से 1771 वोट नोटा को भी दिए गए। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव लड़ने वाले 11 प्रत्याशियों के मध्य हुए मुकाबले में सर्वाधिक और कम मतदान की। भाजपा के शंकर सिंह रावत को भालिया के पालड़ी गांव से सर्वाधिक 652 वोट मिले और सबसे कम भवानी खेड़ा स्थित मतदान केंद्र से महज 14 वोट मिले। कांग्रेस के पारसमल जैन को सर्वाधिक जो है वो नगर परिषद स्थित मतदान केंद्र में 678 वोट मिले और सबसे कम जवाजा क्षेत्र के मकराड़ा गांव से 4 वोट मिल पाए। बात कर ले निर्दलीय उम्मीदवारों की तो इंद्र सिंह बागवास ने सर्वाधिक मत ब्यावर के पंचायती नसिया स्थित मतदान केंद्र से 378 वोट प्राप्त किए। सबसे कम भवानीखेड़ा में महज 1 वोट प्राप्त किया। महेंद्र सिंह रावत ने सबसे ज्यादा वोट अपने ही क्षेत्र अतीतमंड स्थित 2 मतदान केंद्रों में जिसमें 252 और 268 वोट मिले। वहीं रावत 5 मतदान केंद्रों पर अपना खाता नहीं खोल पाए। मनोज चौहान को रतनपुरा सरदारा में ज्यादा पसंद किया गया और यहां उन्हें 303 वोट मिले। चौहान भी 12 ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर अपना खाता नहीं खोल पाए। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों में शिवानी मेघवाल ने मिशन कंपाउंड क्षेत्र से सर्वाधिक 26, रसूल काठात ने बायला मतदान केंद्र से सर्वाधिक 32, सत्यनारायण पालड़िया ने बड़ाखेड़ा में सर्वाधिक 40, पुरुषोत्तम भाटी ने रतनपुरा सरदारा से सर्वाधिक 20, राजेंद्र प्रसाद ने सोनिया से सर्वाधिक 32, सूरज कुमार ने फतेहपुरिया दोलन स्थित एक मतदान केंद्र से सर्वाधिक 13 मत प्राप्त किए। बात अगर नोटा की करें तो भालिया के बंजारी स्थित मतदान केंद्र पर सर्वाधिक 25 मतदाताओं ने नोटा को पसंद किया। अब हम जान लेते हैं ब्यावर के जो मुख्य उम्मीदवार है उसमें से किसने किस क्षेत्र में अपनी बाजी मारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 पंचायत क्षेत्र की। कुल 11 पंचायतों में 35,956 मतदाता हैं, उसमें से 26,701 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 26,701 मतदाताओं में से 48.76% मतदाता जो थे केवल पारसमल जैन को पसंद कर रहे थे। कांग्रेस के पारसमल जैन ने इस 11 पंचायत क्षेत्र में 13,021 मत प्राप्त किए। वहीं भाजपा के शंकर सिंह रावत ने यहां से 7,671 वोट प्राप्त किए। 11 पंचायतों में दोनों के बीच का जो अंतर था वो 5,350 मतों का रहा। 11 पंचायतों में भाजपा के शंकर सिंह रावत जो है उनको सर्वाधिक वोट जो है फतेहपुर प्रथम से 563 मिले तो सबसे कम वोट जो है रूपनगर से 16 मिल पाए। कांग्रेस के पारसमल जैन को पाखरियाबास में 644 वोट देकर सर्वाधिक पसंद किया गया तो 11 पंचायत क्षेत्र के रूपायली और फतेहपुर प्रथम में पंच को सबसे कम 26 वोट मिले। इसके अलावा 11 पंचायत क्षेत्र में इंद्र सिंह बागवास को 2,426, मनोज चौहान को 1,441 और महेंद्र सिंह रावत को 1,077 वोट मिले। अब बात कर लेते हैं हम ब्यावर शहर की, जहां पर 104,400 मतदाताओं में से 72,107 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इन 72,107 मतदाताओं में से 30,127 मतदाताओं ने कांग्रेस के पारस पंच को तो 20,902 मतदाताओं ने भाजपा के शंकर सिंह रावत को पसंद किया।
शहरी क्षेत्र से इंद्र सिंह बागवास ने 14,485 वोट हासिल किए तो मनोज चौहान को 2,835 और महेंद्र सिंह रावत को 1,450 वोट मिले। भाजपा के शंकर सिंह रावत ने शहरी क्षेत्र में सिद्रिया स्थित मतदान केंद्र से सर्वाधिक 563 मत हासिल किए। रावत को सबसे कम रंगमहल स्कूल क्षेत्र से 22 वोट मिले। अगर बात करें कांग्रेस के पार्श्वनाथ जैन की तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक नगर परिषद स्थित मतदान केंद्र जो था 678 वोट उन्हें वहां से मिले और सबसे कम जो मिले पंचायती नसिया जो कि मतदान केंद्र रहा वहां पर महज 97 वोट मिले। दोनों मुख्य पार्टियों के बीच शहरी क्षेत्र में 9,225 मतों का अंतर रहा। अब हम जबादक क्षेत्र की बात कर लेते हैं जहां पर ठीकरा मेंद्रतान सिरूला मालपुरा अतितमंड जो पंचायत क्षेत्र है उनको शामिल कर कुल 86,683 मतदाताओं में से 60,589 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस क्षेत्र में भाजपा ने सर्वाधिक 26,815 वोट हासिल किए। कांग्रेस को 12,679 मत मिले। इसके अलावा निर्दलीय के तौर पर इस क्षेत्र में महेंद्र सिंह रावत ने तीसरे स्थान पर रहकर 7,691 मत और इंद्र सिंह बागवास ने जबादा क्षेत्र से 7,179 मत प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया। मनोज चौहान को इस क्षेत्र में 3,304 वोट ही मिल पाए। भाजपा को जबादा क्षेत्र में सर्वाधिक वोट कालिंजर से 601 मिले। सबसे कम भवानीखेड़ा में महज 14 वोट मिले। कांग्रेस को रामसर बलायान में सर्वाधिक 428 तो सबसे कम बकराड़ा में महज 4 वोट मिल पाए। भाजपा और कांग्रेस में जबादा क्षेत्र में जो अंतर रहा वो 14,136 वोटों का रहा। अब हम बात भालिया क्षेत्र की कर लेते हैं। भालिया क्षेत्र में 30,684 मतदाता है। 20,537 मतदाताओं ने ही मतदान किया। इन 20,537 मतदाताओं में से सर्वाधिक 11,644 वोटर्स ने भाजपा को पसंद किया। 4,079 वोटर्स ने इंद्र सिंह बागावास को अपना समर्थन देकर दूसरे स्थान पर रखा। इसके अलावा भालिया में तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही जिसको महज 2,142 वोट ही मिल पाए। इस क्षेत्र में महेंद्र रावत ने 1,316 तो मनोज चौहान ने 199 वोट हासिल किए। यहां भाजपा को सर्वाधिक वोट जो है पालड़ी से 652 और सबसे कम मुगला साउथ में 49 वोट मिले। इंद्र सिंह बागावास को भालिया में सर्वाधिक बड़ाखेड़ा में पसंद किया गया। वहां पर उन्हें एक मतदान केंद्र में 301 वोट मिले और सबसे कम बराखंड के मतदान केंद्र में महज 10 वोट मिले। कांग्रेस की बात करें तो सर्वाधिक टाटगढ़ स्थित मतदान केंद्र में 343 और सबसे कम कालादाता में 7 वोट मिले। यहां भाजपा पहले तो इंद्र सिंह बागावास दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। भालिया में शंकर सिंह रावत और इंद्र सिंह बागावास के बीच में 7,565 मतों का अंतर रहा और भाजपा और कांग्रेस में के बीच में जो अंतर रहा वो 9,502 मतों का रहा। कुल मिलाकर चारों क्षेत्रों में से 11 पंचायत में कांग्रेस 5,350 मतों से आगे रही। शहरी क्षेत्र में 9,225 मतों से कांग्रेस ने लीड ली लेकिन जबादा क्षेत्र में भाजपा ने अपना दबदबा कायम किया और 14,136 वोटों की लीड लेकर सारे समीकरणों को फेल कर दिया। भालिया में भी भाजपा ने 7,565 मतों का अंतर रखकर पहला स्थान कायम रखा। अब डाक मतपत्रों की बात कर लेते हैं। डाक मतपत्रों की काउंटिंग जब हुई तो उसमें कांग्रेस को 776 मत मिले, भाजपा के शंकर सिंह रावत को 591 मत मिले, इंद्र सिंह बागावास को 174, मनोज चौहान को 161 और महेंद्र सिंह रावत को 65 मत प्राप्त हुए। कुल मिलाकर भाजपा के शंकर सिंह रावत ने ब्यावर विधानसभा में कुल 67,623 मत प्राप्त कर 8,878 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर ली और दूसरे स्थान पर कांग्रेस के पार्श्वनाथ जैन ने रहकर 58,745 मत हासिल किए और तीसरे स्थान पर इंद्र सिंह बागावास रहे जिन्होंने 28,343 वोट प्राप्त किए।